बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपने इसमें डेटा में हम लोग ने देखा कि निश्चित रूप से गढ़वाल में वोट शेयर तो लगभग 5% बीजेपी का कम हुआ है, लेकिन वो सीटों में 5-6 सीटें ही बीजेपी की कम हो रही, जिसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मैं आपको बताता हूं कि एक जब भारतीय जनता एक हम लोग मैं आपको एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं कि एक लगभग अप्रैल मई में हमने यहां पे एक बहुत छोटा सा सैंपल सर्वे किया था जी। उस समय में हम बीजेपी की थोड़ा कम सीटें प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन जब से धामी जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है तो एक युवाओं में एक अलग ही युवाओं में कह सकते हैं और संगठन के अंदर भी हमें ये देखने को मिला है कि लोगों के अंदर एक नई आप कह सकते हैं कि एक आशा है। जैसे मोदी जी के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम है जनता तक पहुंचे और उनका उनको लोगों ने रिकग्नाइज किया है, उसको लोग मानते हैं। और खास तौर से महिलाएं और गरीबों में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर सैंपल सर्वेज में ओपिनियन जो आता है वो कहीं ना कहीं ओपिनियन मेकर्स का होता है, बट इसमें हम ऐसे रैंडम जो है बूथ स्तर पर गए तो गरीब और महिलाओं में एक तरफा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान देखने को मिला है। और युवाओं में धामी जी के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तो मैं नहीं कह सकता हूं, अगर कुछ नाराजगी लोगों में उस समय रही होगी वो शायद मुख्यमंत्री के आने के बाद लोग उसी एक पॉजिटिव भाव में मुझे लगता है कि देख रहे हैं। एक ये दो सबसे बड़े कारण है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा एक युवा चेहरा है सामने लोगों के और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो काम है उनके उसको लोग देख रहे हैं। ठीक है नीरज कोहली जी, एक एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसे हरिद्वार की बात करें तो यहाँ ठीक है कि मदन कौशिक है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मसूरी की बात करें तो गणेश जोशी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ दूसरी तरफ दूसरी टैली में आप देखेंगे तो ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर, ये सब कांग्रेस की तरफ जा रही, तो अगर धामी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा उधर पसंद आ रहा है, ये क्या खास वजह है कि एक बेल्ट पूरी की पूरी ये कांग्रेस के फेवर में जाती हुई नजर आ रही? आप उत्तराखंड में कोई भी इलेक्शन हुआ हो आप देख लें तो उसमें जातिगत सामाजिक समीकरण जो है उनकी बहुत उसकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। तो हरिद्वार का जो आप देखेंगे समीकरण देखेंगे, हरिद्वार शहर को छोड़कर अगर बाकी आप हरिद्वार की जो 10 सीटें देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि एक विशेष वर्ग समुदाय से रिलेटेड या दूसरे और सामाजिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं, इस तरह के लोग रहते हैं। और उन सीटों का मिजाज आप देखेंगे अगर उत्तराखंड बनने के बाद भी देखेंगे तो उन सीटों का मिजाज उसी तरीके से रहता है क्योंकि वहाँ बिल्कुल इस तरह का वो है जी। तो ये बड़ी अहम बात है क्योंकि वहाँ पिछली बार भी अगर आप देखेंगे 2017 में देखेंगे, मैंने बताया कि 6 सीटें जो मिली थी पूरे गढ़वाल में कांग्रेस पार्टी को, उसमें से 3 हरिद्वार से थी जी। 3 हरिद्वार से मिली थी, उस कंडीशन में भी मिली थी जब मोदी जी का मैजिक चल रहा था तब भी 3 सीटें